हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज मैं आपको बढ़िया से आम बनाना सिखाऊंगी। देखिए, बढ़िया से आम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से लाइनें डलवानी है कॉपी पे। इसके बाद आप छोटे ऐसे अनार बनाना सीख ही चुके हैं, उसी तरीके से आप पहले छोटे ऐसे अनार बनाइए। फर्स्ट कर्व करते हुए मैंने आपको बताया है छोटे ऐसे अनार। इसके बाद आपको इसमें अ की मात्रा यानी वन स्टैंडिंग लाइन की तरह जो होती है आपको इसमें और ऐड कर देनी है। बढ़िया से आम, पहले आप छोटे से अनार बनाइए। ये देखिए, ये फुल स्टेप वाइज आपने सीखा हुआ है। छोटे से अनार बनाया आपने, इसके पीछे ये एक मात्रा आ की मात्रा ऐड कर दी, ये बढ़िया से आम बन गया। छोटे ऐसे अनार बनाइए, पहले फर्स्ट कर्व लाइन, देन सेकंड कर्व लाइन, वन स्लिप कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन आपको और लगानी है इसमें। बड़े ऐसे आम, बड़े ऐसे आम आपको ये छोटे ऐसे अनार जैसा ही सेम बनाना है। इसके बाद आपको इसमें एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए आ की मात्रा और ऐड कर देनी है, बड़े ऐसे आम बन जाएगा आपका। देखिए, सिकिया सिकिया, और ये कर्व करते हुए एक लाइन बनाई, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, ये आपका छोटे ऐसे अनार बन गया। इसमें एक स्टैंडिंग लाइन पीछे और बना दी, इसको बोलते हैं अ की मात्रा। बड़े ऐसे आम, देखिए कर्व लाइन बनाई आपने, दूसरी कर्व लाइन को आप इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, हल्का सा ऊपर, और फिर एक स्लीपिंग लाइन ऊपर की ओर कर्व करते हुए बना लिया आपने, ये आपका छोटे ऐसे अनार बन जाता है। इसके बाद आप इसमें अ की मात्रा यानी एक स्टैंडिंग लाइन और बनानी है आपको। बस सिंपली आपको छोटे ऐसे अनार बनाना है और इसके बाद आपको एक स्टैंडिंग लाइन इसमें और ऐड कर देनी है, यानी आ की मात्रा, बड़े ऐसे आम। देखिए, बड़े ऐसे आम, कर्व लाइन की सेकंड कर्व लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इस ऊपर वाली लाइन से हम मिला देंगे आप, इसको ऊपर की ओर कर्व करते हुए ये लाइन बना लिया आपने। इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बना दिया आपने, इसमें एक स्टैंडिंग लाइन और पीछे ऐड करनी है, बड़े ऐसे आम। इस तरह से आप ये बड़े ऐसे आम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आपको छोटे ऐसे अनार बनाना है और उसके पीछे एक अ की मात्रा यानी एक स्टैंडिंग लाइन आपको और ऐड कर देनी है, बस ये बड़े ऐसे आम बन जाएगा आपका। आप इस तरीके से बड़े ऐसे आम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके चिल्ड्रन।